अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही, जिसके लिए मैदा ली हूँ मैं। दो कप भर के हैं, दही है हाफ कप है, यानी 3 टेबल स्पून है। घी लेंगे हाफ कप, शक्कर लेंगे 2 कप, यह नमक है थोड़ा सा लेंगे, बेकिंग पाउडर है ये 2 चुटकी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में हम आटे को, मैदे को रख डालेंगे, नमक और बेकिंग सोडा डालेंगे। घी डालेंगे, घी को अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए हम घी को अच्छे से मिला लिए। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूनेंगे। एकदम सॉफ्ट डो नहीं गूनना है हमें, बस पूरा एक जगह करना है पूरा। हम जैसा रोटी के लिए या पूरियों के लिए सॉफ्ट डो बनाते हो वैसा नहीं बनाना, तो सारा सूप एक जगह कर लेना। ये देखिए वैसे खाली ऐसा एकदम पूरा अच्छा मसल के इसे सॉफ्ट नहीं बने ना, आटा तो नरम है मगर हम ऐसे ही रख देंगे इसे एक जब तक हम शीरा हुए बनाने की तैयारी करेंगे। 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट तक हम इसे रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं शक्कर एक पैन भगोने में डाली हूँ। जितना हम शक्कर लेंगे उससे उसका आधा हम पानी लेंगे। 2 कप मैं शक्कर डाली थी, 1 कप पानी ले रही हूँ। अब हम इसे गैस पे रखेंगे, शक्कर पूरी घुलने तक हम पकाएंगे इसे। हम शक्कर घुलने का एक तार की चाशनी रहना बस उतनी है, उतना हम इसे करेंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, मैं ये साबित इलायची डाल रही हूँ इसे थोड़ा सा वो करके मसल के। आप चाहे तो इसके अंदर केसर जो है था वो भी डाल सकते हैं 2 चुटकी उतना। अब इसे पकने देंगे हम। मैं इसे कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा। इसे मिला लेंगे, चाशनी बनके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढाप कर रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी मतलब गर्म हो, एकदम ज़्यादा गर्म ना रहना, थोड़ी गर्म रहना। इसी में हम थोड़े गर्म जब रहता जब हम बालूशाही डालेंगे इसमें। हमें एकदम पूरा गाढ़ी चाशनी रहने रखना है, ये बराबर है। ये कढ़ाई में तेल डालेंगे हम, तेल को बहुत एकदम मीडियम फ्लेम पे रख के गर्म होने के लिए रखेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं होना तेल ये, तो इसके लिए हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जब तक हम बालूशाही बनाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए हम इसे फिर गूनेंगे नहीं, बस ऐसे ही फैलाते जाएंगे ऐसा कम मोड़ते हुए। ताकि इसमें अच्छे से जो परत आती वो अच्छा परत परत रहना। ये मैं थोड़ा सा मैदा लिया अलग पेड़े के साथ थोड़ा बड़ा, इसे हम ऐसा लंबा लंबा कर लेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इसके, क्यों तो इसमें ये जब हम धीमी आंच पे तलेंगे और इसमें सोडा हुए हैं वो और तले जाके फूल जाता।
इसमें बड़ा कर लेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे। ये दूसरा भी इसी तरह हम थोड़े बना के, जब तक तेल गर्म हो जब तक हम इसे हम तेल गर्म होने चेक करेंगे। तेल ज़्यादा नहीं गर्म होने का है, बस थोड़ा गर्म है ना, ये देखिए बराबर है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस उसमें से बुनकी निकल रही है। ये देखिए ऊपर आ रहा है, बस बराबर है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें ऐसे ही रहना है, इस इतना ही तेल चाहिए। अब हम बालूशाही डालेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तलना, जितना भी लो से हो सके, सबसे आखिर जो रहता बस वही हमें इसमें तलना है। बस हम इतने डालेंगे, एक साइड वो पूरा ब्राउन होने के बाद जब हम इसे पलटा के दूसरी साइड पे तलेंगे। अब हम चेक करेंगे ये हो गए क्या। हाँ ये देखिए थोड़े ब्राउन हुए एक साइड पे, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए कैसे अच्छे से खुले हुए, कैसे अच्छा बन रहे, एकदम लो फ्लेम पे हम इसे तलेंगे तो अंदर तक पूरा अच्छा तले जाते हैं, नहीं तो कच्चे रहते हैं। ये देखिए मैं ये पूरे बालूशाही वैसा बना के रख ली हूँ, अब एक के बाद एक तल देंगे हम। चलिए ये देखिए फ्राई हो गया अच्छा, दो साइड पर भी देख सकते हैं आप। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कैसे अच्छे क्रिस्पी हुए, इसके लेयर्स भी दिख रहे हैं आपको अच्छे से। अब हम ये अभी थोड़ा गर्म है चाशनी, इसमें हम डाल देंगे ये एक साइड, एक मिनट के लिए हम रखेंगे, फिर उसके बाद साइड चेंज करके और एक मिनट के लिए रख के निकाल देंगे। एकदम नरम नहीं करना है हमारे को, अगर ज़्यादा देर नहीं रखना, नरम हो जाते ना तो पूरे ये, बस इसके अंदर जो इसका शीरा है वो थोड़ा सा जज होना। अब हम इसे पलटा के और एक मिनट तक रखेंगे। चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल में से निकाल लेंगे, सारों निकाल के रख देंगे। ये देखिए अब मैं दूसरे डाल ली हूँ, इसी हम बाकी सारों को इसी तरह तल लेंगे जो जैसे हम पहले तले थे। ये देखिए बालूशाही बन के तैयार हैं, मैं एक आपको तोड़ के बताती हूँ। देखिए पूरे अंदर तक कैसा अच्छा पका, पूरा जूस भी इसमें है, पूरा शीरा। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ड्राई फ्रूट से। ये देखिए बालूशाही बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब के बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।